34 ईयर प्रयागराज के धरती पर एक बहुत सुनहरा और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो हमारे साथ आप देख सकते हैं। स्मिता श्रीवास्तव जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हासिल किए हैं। एक बहुत बड़ा सपना होता है, लोगों का लक्ष्य अलग अलग लेवल का होता है, लोगों का कुछ लक्ष्य होता है मतलब कुछ बनने का होता है, लेकिन हमारे साथ एक बहुत सुनहरा लक्ष्य आप देख सकते हैं हमारे साथ स्मिता श्रीवास्तव जी हैं। इनका जो लक्ष्य था वो मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो बाल से काफ़ी परेशान रहती हैं, टूटते बाल से काफ़ी परेशान रहती हैं, डॉक्टर के पास जाती है, मतलब एक अलग ही लेवल का खर्चा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं स्मिता श्रीवास्तव जी ने एक मुकाम हासिल किया है। ये मुकाम इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये मुकाम जब हासिल हुआ है तो पूरे देश और दुनिया में बस एक ही नाम गूंज रहा है, स्मिता श्रीवास्तव। गूगल पर सर्च करेंगे स्मिता श्रीवास्तव, यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्मिता श्रीवास्तव, मतलब इतना चल क्या रहा है भाई, ये तो जानना बनता है ना कि स्मिता श्रीवास्तव है कौन। ये भाई कोई और नहीं है, स्मिता श्रीवास्तव अपने कठिन और परिश्रम के साथ आज पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। ये इतना आसान नहीं होता है, इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा जो एक मेहनत है वो जानना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं होता। तो मैडम आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत नमस्कार, KN24 न्यूज में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे बहुत इजी सवाल पूछूंगा जो ऑडियंस डेली लाइफ से जोड़ सके। ये आपके डेली लाइफ में कैसे ये संभलता कैसे है, कैसे कुछ लोगों का होता है ना सर दर्द करने लगता है, आप तो पूरा कैसे ये मैनेज होता है? मेरा नाम स्मिता श्रीवास्तव है, मैं ज्ञानपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं बॉर्न ज्ञानपुर की हूँ, भदोही की हूँ, और मेरी शादी प्रयागराज में हुई है। और जब आपको सपोर्ट और प्यार इतना मिलता है तो आपको केयर करने का खुद मन करता है। तो जब मैं 14 साल की थी तभी मेरे बाल मैंने कट किए थे, उसके बाद 32 ईयर्स हो गए मैंने बाल में कभी कैंची नहीं लगाई है, तब से मैं अपने बाल को बढ़ा ही रही हूँ। और मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, और मैं 5 बहनें 2 भाई हूँ मैं। अच्छा मैम, एक मुझे गूगल से इन्फॉर्मेशन मिला था मैम, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी जब आप प्रेग्नेंट थी उस समय आपने अपना बाल कटवाया था क्या, क्योंकि आप उस समय बीमार चल रही थी, तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है ना? नहीं सही इन्फॉर्मेशन है, ये 2012 की बात है, मेरा सेकंड बेबी था। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उस समय मैंने लिव का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना लिया था 2012 में बनने के बाद। फिर उसके बाद मैंने अब क्या कहते हैं कि मैंने अपनी मम्मा से बोला, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, तो मम्मा मेरे बोली कि तुम अब बाल कट कर दो, तुम्हारा रिकॉर्ड तो बन गया है, अब अपनी फैमिली को संभालो। लिंका तब बन गया था? हाँ लिंका बन गया था, तो बोली कि वो फैमिली को तुम संभालो, अब तुम रिकॉर्ड बना लियो, अब लिंका तुम्हारा उद्देश्य था तुमने बना लिया। फिर मैंने उसमें मेरे 6 फीट बाल थे, तो फिर उसके बाद मैंने 8 फीट बाल मौजूदा स्थिति में 7 फीट 9 इंच 8 फीट है बाबा, इस समय 8 के बराबर है, उस समय मेरे 6 थे। अच्छा मैम, जैसे ये 8 फीट मीजर कैसे किया जाता है, पूरे बाल एक साथ लेते हैं कोई मेजर फैक्टर? जो आपका जो सबसे लंबा बाल है ऐसे करके उसको मेजरमेंट क्लिप लगा करके उस सबसे लंबे बाल को वो मतलब सर से लेकर के पूरा हेड तक आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म रहता है, प्लेटफॉर्म पे आप सर ऐसे करके बैठी रहिए और फिर मेजरमेंट मीटर होता है ना, फिर उसके बाद वहाँ यहाँ से टॉप से ये भी कि आपके यहाँ से पूरा बाल लेते हैं, नहीं पूरा नहीं, हेड से बाल आपके मेन पॉइंट से एट द बाल ले लेंगे, वो अपने अनुसार नहीं, जो सबसे लंबा आपके बाल है, जैसे मेरे पीछे के बाल उतने लंबे नहीं, आगे के बाल बहुत लंबे हैं, तो आगे कहीं जो